नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ सीतामढ़ी बिहार और मैं हूं सलमान सागर। इस वक्त सीतामढ़ी के हुसैना बांध टुटा पुल पर गोली चली है और बंधन बैंक के कर्मचारी से पैसे और गाड़ी लूट लिया गया। जी हां, हुसैना बांध टुटा पुल, हुसैना अमघट्टा से जब आप आते हैं और हुसैना क्रॉस करके हुसैना होते हुए मौनपुर निकलते हैं या बसवैया चौक निकलते हैं तो मेन हुसैना गाँव से निकलते हैं और रास्ते में बंध टुटा पुल आता है और बंध टुटा पुल और भू भैरव का जो बॉर्डर है उसी ना अंदर गांव में, यहीं पर ये इलाका लीची बगान का इलाका है, ये भू भैरव का इलाका है, लीची बगान का इलाका है। इस इलाके से बंधन बैंक के कर्मचारी पैसा वसूल करके जो डेली वेज पर बंधन बैंक में क्या होता है कि 60-70-80 हजार 1 लाख रुपए कर्ज दिए जाते हैं और उस हिसाब से लोग हर दिन पैसा जाते हैं। तो मैं आपको बताऊं कि गोली चली है हमारे साथ यहाँ पर हुसैना के मैसौल पूर्वी इलाके में, ये हुसैना आता है और यहाँ के पंचायत प्रतिनिधि, मुखिया प्रतिनिधि सब यहाँ पे और गांव के लोग यहाँ पर हैं। आप देख सकते हैं कि बेहद बहुत ज्यादा हंगामा हो गया है, तमाम लोग खींचे हुए चले आए हैं। आबादी से महज 10 मीटर की दूरी पे हुसैना, जो आप पीछे मोहल्ला देख रहे हैं, पीछे मोहल्ले से सिर्फ 10 मीटर की दूरी पे ये घटना घटी है और बाजाब्ता से बंधन बैंक के कर्मचारी से गोली मारकर उनके पैसे भी लूट लिए गए और उनकी गाड़ी भी लूट ली गई है। ग्रामीणों ने उनको उठा करके अस्पताल भेजा है। क्या नाम, अच्छा नाम जानते हैं क्या उस कर्मचारी का, क्या नाम? तो मैं आपको बताऊं कि धूप बहुत ज्यादा है, मुझे धूप लग रही थी, मैंने रुमाल डाल लिया ऊपर से। हम जानते हैं थोड़ा सा मुखिया प्रतिनिधि से क्या मामला है। देखिए, यहाँ बहुत मरते, हम थाना प्रभारी को खबर दे चुके हुए हैं कि यहाँ पे बहुत अपराधी छवि का लोग बवाते रहते हैं यहाँ पे। मोहल्ला को पैखाना प्रभारी को हम दे चुके, हमारे साथ पंचायत समिति प्रतिनिधि भी है। तो मैं आपको बताऊं कि हमारे साथ पंचायत समिति प्रतिनिधि है जी, क्या जानकारी है? अभी हम लोग बाढ़ पीड़ित वाला काम कर रहे थे, हम मुखिया जी, तो हम लोग कॉल अभी आया, ग्रामीण लोग कॉल थी किसी कोई घटना हो गई, गोली मार दिया गया है। तो हम लोग वहाँ से अभी यहाँ आए तो देखे हैं कि हमारे पंचायत सटे हुए जो है ये पड़ता है भैरव पंचायत पड़ता है, वहाँ पर देखे सीधी घटना हुआ, बहुत सारा भीड़ लगे हुए थे और ये जो यहाँ पे अपराधी का जो अड्डा बन चुका हुआ है। तो मुखिया जी के मार्फत हम लोग प्रशासन को कहवा भी दिया गया था कि यहाँ पे जो है थोड़ा सा अपराधी आते रहते हैं, अनजान लोग, अनजान लोग लोग आते रहते हैं, इसलिए हम कोई अनजान लोग आते रहते हैं, इसलिए अब हम लोग क्या, हमारे साथ एक और ग्रामीण, क्या है मामला? देखिए, मामला ये है कि यहाँ पे अननोन, जिसको नहीं पहचानते हैं हम लोग, ठीक है, उस टाइप का आपराधिक छवि का लोग यहाँ पे रहता है। हम मुखिया जी और पंचायत समिति प्रतिनिधि साहब सलाम साहब, हम लोग जा करके थाना पे बाई फेस बोले हैं तो थाना प्रभारी कहते हैं ठीक है, इस पे जो है देखा जाएगा, लेकिन इस पे कोई एक्शन नहीं है। किस थाने में आता है आपका इलाका? हमारा टाउन थाना आता है। तो आप देख सकते हैं कि आए दिन हर दिन सीएसपी संचालक या फिर बंधन बैंक, जो छोटे छोटे बैंक कर्मी होते हैं, उनसे 2-4 लाख 5 लाख रुपए इस तरह से लूटे जा रहे हैं और गोली मारकर। यहाँ पर एक बड़ी आबादी है, इस तरफ बड़ी आबादी है, इस तरफ भी आबादी है और इस तरफ भी आबादी है और ये जो इलाका है ये हुसैना, ये भैरव कोठी का लीची बागान इलाका कहलाता है, यहाँ पर भी सीमा है, यहाँ पर भी बहुत सारे लोग रहते हैं और इसी मोहल्ले से पैसा वसूल करके जो हफ्तावार जो पैसा वसूला जाता है उस पैसे को वसूल करके बंधन बैंक के कर्मचारी, शायद नाम सरोज या क्या बताया जा रहा है, कि उनको इसी जगह पे, जी हाँ इसी जगह पे गोली मारी गई है और उनका लोग बता रहे हैं कि उनकी गाड़ी भी छीन ली गई और यहाँ के ग्रामीणों ने उन्हें सीतामढ़ी के किसी डॉक्टर के पास पहुंचाया है। अब तक तो उनसे मेरी मुलाकात नहीं हो पाई है, लेकिन बेहद ब्रेकिंग खबर है, बड़ी खबर है और ये बेहद गंभीर मामला है। जैसा कि यहाँ के प्रतिनिधि ने बताया कि यहाँ पर आए दिन अनजान अननोन अपराधियों का यहाँ पर जमावड़ा लगता है, क्योंकि ये यहाँ पे पुल बना हुआ है। मैं आपको बताऊं कि अब टाइगर मोबाइल दस्ता भी यहाँ पे आ चुका है और बस बिल्कुल अभी से 15 से 20 मिनट पहले ही गोली चली है यहाँ पे। मैं सीतामढ़ी में था, मैं शहर में था और वहां से डॉक्टर के पास था, वहां से मैं भागता हुआ, जब मुझे खबर लगी तो मैं भागता हुआ सारे काम छोड़कर मैं यहाँ पहुंचा हूँ। ये हुसैना बंध टुटा पुल का इलाका है, यहाँ गोली चली है। यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि बंधन बैंक कर्मी से लूट का मामला हुआ है, मैसौल ओपी और पुलिस भी आ गई यहाँ पर। अब पुलिस जाकर छानबीन करेगी, तफ्तीश करेगी और जिसे गोली लगी है वो घायल है। मैं आपको दिखलाऊं कि ये पुल बड़ा ही ना उन लोग को, तो मैं आपको बताऊं कि अच्छा आप कोई ऐसा है जो पैसा जमा करता था उनके पास में? आप लोग लीची बगान से है कोई?
तो मैं आपको बताऊं कि पुलिस मौके वारदात पर पुलिस आ चुकी है और उस तरफ से लोग आ रहे हैं। मैं उनसे पूछता हूं कि कौन से लोग पैसा जमा कर रहे थे और कितना पैसा था, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। लेकिन आए दिन छोटे छोटे जो बैंक है, जो CSP संचालक है या फिर इस तरह के जो बंधन बैंक, देना बैंक और क्या क्या छोटा छोटा जो बैंक होता है, उसके कर्मचारी जो 1 लाख 2 लाख 4 लाख लेकर के जो पास करते हैं, क्रॉस करते हैं, ऐसे लोग उनका। तो हमारे साथ एक महिला है जो पैसा जमा करती थी उनके पास में, आज किस जमा हुआ उनके पास में? अभी तो जानू एक औरत को मिला 60,000 रुपया लंकेश। औरत को मिला है? हाँ। और जमा कितना हुआ आप लोगों का? जमा कैसे करे करे वो बताओ ना। जमा तो कोई का 1500 है, कोई का 1200 है, कोई का 650 है, कोई का 800 है, कोई का 1900 है, ऐसे तक। कितने लोग मिलकर जमा करते हैं? अब तो ग्रुप से पता लगेगा। कितना ग्रुप चलता है? ग्रुप कितना चलता है? 30 आदमी का है। 30 आदमी का ग्रुप चलता है? कितना ग्रुप है? कितना ग्रुप है? एक ही ग्रुप है यहाँ। ग्रुप तो एक ही है यहाँ पर, लुचवान में एक ही ग्रुप है। तो यहाँ पर एक ग्रुप है। अच्छा, लोन तो मैं आपको बताऊं कि पैसा वसूल करके ये जो बंधन बैंक होते हैं, छोटे छोटे बैंक होते हैं, वो कुछ लोगों से पैसे लेते हैं और कुछ लोगों को पैसे देते हैं। कौन कौन? एक मिनट सुनिए, सुनिएगा सुनिए ना, मदद करिए ना। क्या आप लोग ने पैसा जमा कराया क्या? ना, मुखिया यहाँ के लौली है। आप मुखिया यहाँ गई थी? आप कहाँ बैठी? वहाँ बैठी। अच्छा, क्या हुआ? हुआ क्या? हम वही लमन रही है तो चकलियन जी का झोरी होत रहलई है। अच्छा। जो सामान न दे लई है तो गोली मार के मोटरसाइकिल पैसा लेके भाग गई। साइकिल लेके गया तीन लोग भाग ले। तो तीन आदमी से था, एक कम उम्र का बच्चा भी था। अच्छा, तो अच्छा वो लोग कैसे दिख रहे थे, दिखने में कैसे थे? लंबा था, गोला था, छोटा था, नाटा था? लोग ये तैयो था नमन ना है। गोली का आवाज सुनी है आप? हाँ, सुनी है। क्या गोली चला? क्या गोली चला?